हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव स्टेटमेंट में है शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरामीटर रेक्टेंगल मैक्सिमम पैरामीटर है जिसका विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल जो एक सर्कल के अंदर है ऑफ रेडियस ए और उस जो सर्कल है उसका रेडियस ए है इज ए स्क्वेयर साइड वो रेक्टेंगल एक्चुअली में एक स्क्वेयर है ठीक है हमने ये शो करना है कि जिस रेक्टेंगल का मैक्सिमम पैरामीटर है और वो एक सर्कल में है वो एक्चुअली में क्या है एक स्क्वेयर है और उसकी साइड क्या है रूट टू ए वेयर ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल हमें एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है जिसके अंदर आपको रेडियस कितनी गिवन है ए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस तो ये पूरी जो इसका डायनल है जो इसका विकरण है डायनल क्या हो जाएगा टू ए अगर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ को एक्स और ब्रेथ को वाई मान ले ठीक है तो लेट रेक्टेंगल लेंथ एक्स ब्रेथ वाई और रेडियस हमें ए गिवन है रेडियस इज देन बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू टू ए हो जाएगा बाय पाइथागोरस और इसको हम कर लेंगे फोर ए स्क्वेयर यहां से अगर आप वाई स्क्र की वैल्यू निकालते हैं वो आ जाएगी फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र ठीक है पैरामीटर क्योंकि हमें पैरामीटर को मैक्सिमम शो करना है तो पैरामीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का वो होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ है एक्स और ब्रेथ है वाई तो टू एक्स प्लस वाई वाई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क् का रूट हो जाएगा वाई की जगह क्या रखेंगे फोर ए स्क्र माइनस एक्स स्क् अब इसको हम ले लेंगे पी एक्स ये पी एक्स अगर इसको ले लें जो इतना आ गया है तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इसको हमने मैक्सिमम प्रूव करना है तो पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि आ जाएगा टू एक्स वन इसका निकालेंगे जैसे रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाय टू फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर फिर ये जो अंदर है इसका करेंगे इसका जीरो हो जाएगा और इसका आ गया माइनस टू एक्स तो टू से ये टू कैंसिल कर दें टू वन माइनस एक्स बाय फोर ए माइनस एक्स तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो करते हैं इसको आप जीरो करेंगे जब जीरो करेंगे तो वन इक्वल टू ये उधर चला जाएगा एक्स बाय फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ठीक है अब स्क्वेयरिंग कर लेंगे बहुत साइड तो फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र इधर जाके ये प्लस टू एक्स स्क्र एक्स स्क्र आ जाएगा टू ए स्क्वेयर ये टू इधर जाके डिवाइड होगा तो टू ए स्क्वेयर एक्स क्या आ गया रूट टू ए वैसे तो प्लस माइनस आएगा लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है लेंथ है रेक्टेंगल की एक्स क्या है लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली अब हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे टू इसका वन का हो जाएगा जीरो इसके ऊपर हम क्या करेंगे यू बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स फेयर आ जाएगा फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्सक्र को रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स अब ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा वन बाई टू फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एक्स ठीक है डेरिवेटिव करना है इसका तो टू कितना आ जाएगा अब इसको हम सोल्व करेंगे माइनस तो है ही आगे ये, ये ठीक है ये माइनस है अब ये जब हम इसका एल्शियम लेंगे एल्शियम क्या आ जाएगा ये टू से हम टू कैंसिल कर देते हैं रूट ऑफ फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र एल्शियम आ जाएगा ठीक है रूट ऑफ फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र अगर एल्शियम आ जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र ठीक है ना क्योंकि रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स अब फोर स्क्वेयर माइनस एक्स के ये नीचे ये रूट वाला जाएगा तो एक पावर तो ये है ये वन पावर है एक ये वन बाय टू पावर है तो वन और वन बाय टू पावर मिलकर टू एल्शियम लेंगे तो टू प्लस वन थ्री बाय टू बन जाएगी ये पावर ठीक है तो हमें सारे स्टेप कई बार नहीं दिखाने होते क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बहुत लंबे होते हैं तो हम ये कुछ स्टेप स्पीडली कर सकते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है ये बन जाएगा माइनस एट स्क्वेयर बाय दिस ठीक है अब x को हम यहां रूट टू ए पुट करें x की जगह रूट टू ए पुट करेंगे या हम एक्स स्क् की जगह टू ए स्क्वेयर पुट कर दें तो ये बन जाएगा टू ए स्क्वेयर की थ्री बाय टू ठीक है ये बन जाएगा ये टू की थ्री बाई टू मतलब ये जो भी है ये नेगेटिव में बन रहा है ठीक है हमें मतलब है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अगर नेगेटिव बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम तो ये आ गई है मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू रूट ए Y क्या था फोर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वल है तो एक्स स्क्र की जेंगे हम लिख देंगे तो y कितना आ जाएगा एक्स स्क्र के बराबर ही आ रहा है वाईक्वल टू रूट टू ए आ रहा है एक्स और y अगर इक्वल आ गए अगर इसमें एक्स और y इक्वल है दिस मीन्स कि ये एक क्या बन गया है स्क्वेयर रेक्टेंगल इज ए विद साइड रूट टू टी में शो करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एरिया यहाँ पे हमें सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम हमें दिखाना है मैक्सिमम है तो ठीक है तो हम सरफेस एरिया तो ले लेंगे कोई भी कांस्टेंट है यानी सरफेस एरिया तो हमें गिवन है तो सरफेस एरिया को एस ले लेंगे और वॉल्यूम के अंदर यहां से वैल्यू निकाल के इसमें कुछ पुट करेंगे ठीक है और हमें किस तरह का प्रूव करना है कि हाइट जो है इक्वल टू द दा डायमीटर ऑफ द बेस जो इसकी हाइट है हम कहेंगे हाइट और जो ये डायमीटर है ये इक्वल आएगा अगर हम आर रेडियस लिखते हैं तो यानी एच को हमें टू आर शो करना है एच इक्वल टू टू आर क्योंकि टू आर क्या होगा डायमीटर होगा तो ये हमें चीज शो करनी है साथ साथ मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है तो अगर ऐसा अगर इसका सरफेस एरिया होगा और रेडियस आर और हाइट एच और वॉल्यूम वी तो क्योंकि सरफेस एरिया हमें गिवन है ठीक है गिवन सरफेस एरिया यानी एस है कोई भी तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं एच की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पाईआर स्केयर एच में किसी एक चीज की वैल्यू पुट करनी है अगर हम यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो वो डिफिकल्ट पड़ेगा ठीक है एच की वैल्यू निकालना इजी पड़ेगा इसलिए हमने यहां से एच की वैल्यू निकाल ली जो कि आ जाएगी माइनस टू पाईआर स्केर बाई टू पाईआर तो यहाँ एच की वैल्यू हमने ये पुट कर दी <coughs> यहां से ये यह पाई से पाई कैंसिल हो रहा है एक आर से एक आर तो ये वन बाई टू आर एस माइनस टू बाई आर स्क्वेयर है आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस आर माइनस टू पाई आर क्यू बाई टू हो जाएगा अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है तो सबसे पहले तो डी वी पाई डी आर निकाल लेंगे ना तो वन बाई टू ये बन जाएगा एस एस आर का आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एस माइनस सिक्स पाई आर स्क्वेयर ये बन जाएगा फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको जीरो के एक रखेंगे यहां से क्या आ जाएगा ये जीरो सिक्स पाई आर स्केयर जीरो एस की वैल्यू आ गई है सिक्स पाई आर स्केयर तो एच क्या आ जाएगी एच यहां से हम इसके अंदर एस की वैल्यू पुट कर देंगे एस की वैल्यू यहां रखने पर ये आ जाएगा सिक्स पाई आर स्केयर माइनस टू पाई आर स्केयर ठीक है ना सिक्स बाई आर माइनस टू आर स्केयर बाई टू आर है इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा फोर बाई आर स्केयर बाई टू आर तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है टू से टू तो ये बन रहा है टू आर ठीक है अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम किस लिए लिए देखने के कि कि मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू है मिनिमम से निकालेंगे तो एस तो यहां जीरो बन जाएगा, जाएगा माइनस ट्वेल्व पाई आर क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है देन एच इक्वल टू टू आर यानी हाइट जो है सिलेंडर की वो क्या बन रही है डायमीटर ऑफ इट्स बेस हमें यही प्रूव करना था एच इक्वल टू टू आर प्रूव करना था, था वेयर हाइट इज इक्वल टू तो द डायमीटर ऑफ द बेस तो ये प्रूव हो जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस सिलेंड्रिकल है सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल है यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ ए गिवन वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम गिवन है ऑफ हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर्स ठीक है फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिम सरफेस एरिया डायमेंशंस निकालनी है यानी आर और एच निकालना है क्योंकि जो सिलेंडर होता है जैसे ये सिलेंडर है इसमें एच और आर इसकी की डायमेंशंस होती हैं वो हमें फाइंड करनी है और साथ में सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है तो हमें वॉल्यूम हमें गिवन है पाई आर स्केर एच हमें हंड्रेड गिवन है तो यहाँ से एच निकाल लेंगे एच निकालना ईजी रहता है आर रेडियस और एच हाइट ले लिया सिलेंडर का टोटल तो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर यहां एच की वैल्यू ये फिल कर देंगे ठीक है तो ये पाई आर से ये पाई आर कैंसिल तो ये टू हंड्रेड बाई आर प्लस टू पाई आर आ जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे क्योंकि हमें सरफेस एरिया को प्रूव करना है मिनिमम है तो dS बाई डी आर वन बाई आर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस वन बाई आर स्केयर तो ये आ जाएगा टू हंड माइनस टू हंड्रेड बाई आर स्केयर ये आ जाएगा फोर पाई आर ठीक है अब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये इधर जाके माइनस फोर पाई आर हो गया ठीक है अब माइनस में माइनस कैंसिल फोर से इसको कैंसिल करेंगे तो फिफ्टी तो फिफ्टी पाई आर की थ्री आर की थ्री कितना आ गया फिफ्टी बाई पाई आर की वैल्यू आ गई फिफ्टी पाई फिफ्टी बाई पाई की पावर वन बाई थ्री अब सेकेंड डेरिवेटिव उसको प्रूव करने के लिए तो हमने इसको लिख लिया आर की माइनस टू ठीक है अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू को माइनस टू हंड्रेड से करेंगे तो फोर हंड्रेड आर की माइनस थ्री और फोर पाई इसको हम फोर हंड्रेड आर की थ्री प्लस फोर पाई लिखेंगे हमने तो कुछ भी हम कर रहे हैं इसको सोल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा तो यहां से हमें क्योंकि साइन ही चाहिए होता है पॉजिटिव आ रहा है जिसका मतलब क्या है एस क्या है मिनिमम है देन कितना निकल आया है आर तो हमारा ये निकल आया है एच क्या होगा एच है एच क्या है हंड्रेड बाई तो पाई आर स्केर यानी हंड्रेड पाई आर आर पाई, बाय है, फि टू बाई थ्री हो जाएगा और इसको उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके तो पाई बाय बाय थ्री तो ये आ जाएगा एच नंबर ट्वेंटी टू ए वायर ऑफ लेंथ ट्वेंटी एट मीटर इज टू बी कट इन टू टू पीसेस एक वायर है आपके पास उसको कोई एक वायर है ठीक है इसको आपने टू पार्ट्स में काट दिया है दो पार्ट्स में काट दिया है वन ऑफ दीस टू मेड इन टू ए ये वाला पीस है इससे तो हम ये पीस है मान लो इससे तो हम क्या बना देंगे स्क्वेयर बना देंगे एंड अदर इंटू ए सर्कल जो ये वाला पार्ट है अगर इससे हम बना देते हैं सर्कल वट शुड बी लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट इन दोनों पीसेस की क्या लेंथ होगी सो डेट द कम्बाइंड एरिया ऑफ द द सर्कल इज मिनिमम इन दोनों का जो एरिया है कम्बाइंड एरिया कंबाइंड एरिया मतलब स्क्र प्लस सर्कल इन दोनों का जो दोनों का एरिया है वो अगर मिनिमम है ठीक है तो क्या होगी लेंथ इन दोनों पीसेस की क्या लेंथ होगी अब देखो ये जो वायर है पूरी 28 मीटर की वायर है ये इसको दो पीसेस में कट किया गया अगर एक पीस को हम माने कि हमने x मीटर कट किया है तो ये 28 एट माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि पूरा क्या है 28 है ये अगर x है तो इसको कैसे निकालेंगे 28 में से x माइनस करके निकाल सकते हैं तो लेट वन पार्ट ऑफ वायर x अदर पार्ट ऑफ वायर 28 एट माइनस एक्स मान लेते हैं जो x वाला है इसका लेट द पार्ट ऑफ x कैन बी कन्वर्टेड इन टू सर्कल तो ये वाला जो पार्ट है एक्स वाला इससे सर्कल बनाया है ठीक है और रेडियस हमने उसका क्या लिया है आर अब जब इस वायर से हमने ये सर्कल बनाया तो सर्कम बन जाएगा एक्स एक्स क्या है सर्कम बन जाएगा इस सर्कल का ठीक है परिधि तो सर्कम ऑफ सर्कल क्या होता है टू पाई, टू पाई क्या है एक्स है तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी एक्स बाय क्योंकि हमें एरिया बताना है इसका मिनिमम है तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे फॉर्मूला होता है पाई पाईआर स्केयर पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे एक्स बाई टू पाई आर का स्केयर तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर बाय फोर पाई स्केयर पाई से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो एक्स स्केयर बाय फोर पाई एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा अब अदर पार्ट ऑफ लेंथ है ट्वेंटी एट माइनस एक्स इससे हमने स्क्वेयर बनाया ठीक है ये जो ट्वेंटी एट माइनस एक्स है इससे अगर हमने स्क्वेयर बनाया है तो ये इस पार्ट को ऐसे ही फोल्ड किया पैरामीटर जो पैरामीटर होगा स्क्वेयर का वो क्या होगा ट्वेंटी एट माइनस एक्स क्योंकि इसको हमने मोल्ड करके स्क्वेयर बनाया तो अदर पार्ट ऑफ लैंड ट्वेंटी एट माइनस एक्स इज कन्वर्टेड इंटू स्क्वायर तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फोर इंटू साइड ऑफ स्क्वायर वो क्या है ट्वेंटी एट माइनस एक्स है साइड ऑफ स्क्र आ जाएगी ट्वेंटी एट माइनस एक्स बाय फोर क्योंकि हमें एरिया बताना है तो एरिया ऑफ स्क्र निकालेंगे वो आ जाएगा इसका स्क्वेयर क्योंकि एरिया ऑफ स्क्यर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड का स्क्वेयर तो ठीक है तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा टोटल एरिया क्या बनेगा सर्कल का एरिया जो कि है एक्सक्वेयर बाई फोर पाई और एरिया ऑफ स्क्र वो है ये ठीक है इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसको बताना है इसका बताना है कि ये मिनिमम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे डी ए बाई डी एक्स निकालेंगे डी ए बाई डी एक्स क्या होगा टू एक्स बाय फोर पाई इसका करेंगे तो टू आगे आ गया ट्वेंटी एट माइनस एक्स फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन इसका करेंगे माइनस वन टू से ये कैंसिल करेंगे एक्स बाई टू पाई माइनस अब टू से ये कैंसिल हो जाएगा एट तो माइनस ट्वेंटी एट माइनस एक्स बाई एट तो इसको क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए जीरो इससे क्या होगा एक्स बाई टू पाई इक्वल टू ट्वेंटी एट माइनस एक्स बाई एट आ जाएगा अब इसको सोल्व कर लेंगे इसको सोल्व करेंगे देखो ये टू वन जा टू है टू फोर जै एट है तो फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स इक्वल टू तो ट्वेंटी एट पाई माइनस पाई एक्स हो जाएगा पाई एक्स इधर तो जाके प्लस कर लेते हैं ठीक है इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एट बाई बाई फोर प्लस पाई ठीक है एक्स आ गया तो अदर पार्ट क्या होगा अदर पार्ट ट्वेंटी एट एक माइनस एक्स है तो ट्वेंटी एट माइनस निकाल लेंगे एल्शियम फोर प्लस पाई आ गया फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन वन टू प्लस ट्वेंटी एट पाई माइनस ट्वेंटी एट पाई ये कैंसिल तो वन वन टू बाई फोर प्लस पाई ये आ गया है अदर पार्ट तो हमें ये दोनों पार्ट निकालने थे ठीक है डी ए बाई डी एक्स इतना आ गया था हमने सोल्व किया था सेकेंड डायरेवेटिव हम इसका निकाल लेते हैं क्या बन जाएगा वन बाई टू पाई और यहाँ से ये माइनस वन बाई एट तो कौनसटेंट है इसका क्या बनेगा माइनस वन प्लस वन बाई एट ये कुछ भी क्वांटिटी की आ रही है पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब एरिया क्या है मिनिमम और एक्स क्या है एक्स भी निकल चुका है और अदर पार्ट भी आ चुका है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री प्रूव करना है दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन जो वॉल्यूम है सबसे बड़े कोन का जो एक स्पीयर के अंदर इंस्क्राइब है वो एट बाई ट्वेंटी सेवन है वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर से यानी जो कोन का वॉल्यूम है ये जो कोन है कोन का जो वॉल्यूम है वो एट बाई ट्वेंटी सेवन है स्पीयर के वॉल्यूम से ठीक है ये है स्पीयर का वॉल्यूम और ये कोन का तो कोन का वॉल्यूम एट बाई ट्वेंटी सेवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वियर रेडियस आर किसका दिया हुआ है स्पीयर का स्पीयर ऑफ रेडियस आर तो हम ले लेते हैं रेडियस आर और हाइट एच ऑफ द कोन ये जो कोन है इसका रेडियस आर और इसकी हाइट क्या ले लेते हैं एच ठीक है इसका नाम ए बी हम डाल देते हैं ठीक है वी जो है कौन का वी वन बाई थ्री पाई आर स्केर एच होगा लेट आर जो है रेडियस है स्पीयर का ये पूरी हाइट को हम क्या लिख सकते हैं कि देखो ये जो है यहां से यहां तक ये है आर ये है स्पीयर का आर तो ये जो पूरी h है ये आर प्लस ए बी है आर प्लस ए बी और AB को कैसे निकाल सकते हैं देखो ये क्या है एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल जिसमें ये कौन 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस अगर इस पर लगाएं तो क्या बन जाएगा ए बी स्क्र इक्वल टू आर स्क माइनस आर स्क आ जाएगा ना ठीक है क्या आ जाएगा ए बी स्क्र इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर वैसे तो आप इसको ऐसे लिखते आर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर यहाँ से ए बी स्क्वेयर की वैल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी क्या आ जाएगा रूट ऑफ आर स्केयर माइनस आर स्केर कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर तो ए बी की जगह हमने ये पुट किया तो वॉल्यूम वन बाय थ्री पाई आर स्क और एच की जगह हम रखेंगे ये एच आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्केयर तो वॉल्यूम ये था ठीक है इसके अंदर हम क्या करते हैं वन बाय इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वन बाय थ्री पाई आर स्क्र कैपिटल आर प्लस वन बाय थ्री पाई आर स्केयर इंटू आर स्केयर माइनस आर स्केयर आ जाएगा डी वी बाई डी आर निकालेंगे जो कि बन जाएगा इसका करेंगे आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बन जाएगा टू पाई आर कैपिटल आर बाय थ्री इसके अंदर यू इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा ठीक है तो वन बाई थ्री पाई इस आर स्केर का करेंगे तो टू आर और ये एज इट इज प्लस इसको एज इट इज रख लेते हैं वन पाई को इसका करेंगे ठीक है रूट ऑफ एक्स होता है तो उसका वन बाई टू रूट एक्स हो जाता है तो इसका क्या बनेगा वन बाई टू आर स्केर माइनस आर स्केयर और अंदर वाले का माइनस टू आर अब क्या करेंगे इसको हम सोल्व कर लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में हमने बस टू से टू कैंसिल कर है और इसको आर की थ्री की है ठीक है इसे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एल्शियम ले लेते हैं तो ये थ्री आर स्केयर माइनस आर स्केयर आ जाएगा टू पाई आर और इसकी इससे गुना करेंगे तो आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर माइनस पाई आर क्यूब बाय थ्री पाई थ्री आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा टू पाई आर कैपिटल आर स्केयर माइनस टू पाई आर क्यूब माइनस पाई आर क्यूब था, था तो नेक्स्ट स्टेप में बस हमने ये किया कि इन दोनों को तो मर्ज वैल्यू है, तो, है, है तो ये बन जाएगा इसका तो टू बाई थ्री बाई आर इसके लिए हमें यू बाई वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसका स्क्र करेंगे तो नाइन आर स्केर माइनस आर स्केयर का रूट कैंसिल हो जाएगा ना स्केयर करेंगे तो और इसको एज इट इज रखेंगे इसका डेरिवेटिव कर लिया इतना आ गया माइनस इसको एज इट इज रखा इसका डेरिवेटिव किया ठीक है इसको सिंपलीफाई करके हमने इतना लिख लिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे डी वी बाई डी आर इसको यानी जीरो के इक्वल रखेंगे इसको जीरो के इक्वल रखने पर क्या होगा ये जो है इसके बराबर आ जाएगा टू बाई थ्री पाई आर इक्वल आ जाएगा तो ये पहले लिख लेते हैं थ्री पाई आर क्यूब पहले लिख लो इसको माइनस में बाद में लिख लो ठीक है ये आप सोल करके भी देख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस और कुछ भी नहीं है थ्री से थ्री कैंसिल कर रहे हैं ये इधर चला जाएगा तो टू आर था यहाँ पे साथ में ये आ जाएगा और ये आ गया थ्री आर स्केयर माइनस टू आर स्केयर अगले स्टेप में हम इसका स्क्यर कर रहे हैं तो फोर ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें फोर आर स्केयर आर स्केर माइनस आर स्क्यर का जब स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा इतना आ जाएगा और इसका स्क्वेयर हो जाएगा इसका स्क्यर हमने ओपन किया है और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे ठीक है सिम्प्लीफाई करने पर आर स्क्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट आर स्केयर बाई नाइन जब आर स्केयर की वैल्यू डी वी स्क्र ये तो हम निकाल चुके हैं ना डी वी डी स्केर वी बाई डी आर स्केयर हमने निकाल लिया इसका सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम ये आर स्केयर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है जब नेगेटिव वैल्यू आती है इसका मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ इज मैक्सिमम ठीक है नेगेटिव वैल्यू पे मैक्सिमम और आर स्केयर हमने निकाल लिया था कितना आ गया था एट आर स्केयर बाई नाइन ठीक है अब h h ये था r प्लस आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केर इसके अंदर इस आर स्केयर की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे एल्शियम ले लो नाइन आर स्केयर माइनस एट आर स्केयर आर स्केयर बाय नाइन इसका रूट निकल जाएगा ये आर बाय थ्री का स्क्वेयर है तो स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा आर बाय थ्री आ जाएगा इसका एल्शियम लेंगे थ्री आर प्लस आर बाय थ्री यानी फोर बाय थ्री आर तो वॉल्यूम हमें निकालना था आ, देखना था ना वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू हमने दिखाना था एट बाई ट्वेंटी सेवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये हमने प्रूव करना था तो ये इसके अंदर हम आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट की है ये वाली और एच की वैल्यू ये पुट की है अब हम अंदर बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्योंकि फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है तो यहाँ से फोर बाय थ्री भी आ रहा है पाई आ रहा है आर की क्यूब आ रही है ये अंदर रखी तो बाहर क्या बचा बाहर बचा एक तो एट एक थ्री और नाइन थ्री नाइन जैन ट्वेंटी सेवन यानी एट बाई ट्वेंटी सेवन आ गया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर से यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू तो एट बाई ट्वेंटी सेवन वॉल्यूम ऑफ स्पियर तो ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री